नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट रोहित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोहित स्टॉक आज का हमारा टॉपिक है पिलर्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट तो चलिए जानते हैं किन एलिमेंट से प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड बनता है और क्या है उनका महत्व द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा क्रिएटेड फर्स्ट पी रिक्वायरमेंट इन नाइनटीन कम्स अंडर सी एफ आर ट्वेंटी For catastrophic incidences related to highly hazardous chemicals or this standard Pishle B salome, Kaibar expand or updated. Hua. Main purpose of this standard to prevent the unwanted release of hazardous chemical and management of hazard associated with the process using highly hazardous chemical. It covers 14 elements used to address, identify, hazard, and manage risk. like प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हज़ार एनालिसिस ऑपरेशनल प्रोसीजर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी प्लानिंग एंड ऑर्डर्स तो चलिए जानते हैं इन पिलर्स का महत्व और कैसे इनका इस्तेमाल करके हम रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हैं और मेटिगेट कर सकते हैं इट इज़ मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये हमें जानकारी देता है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं और जो केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वो सेफ है यानी कोई केमिकल ऐसा तो नहीं जो हाईली फ्लेमेबल या फिर हाईली टॉक्सिक और करोजिव या फिर दोनों हो ताकि हम रिस्क को ठीक से मेटिगेट कर सके एम एस डी एस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल्स लाइक केमिकल्स आर फ्लेमेबल और करोजिव या फिर वाटर रिएक्टिव है या नहीं उसकी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट क्या है और अगर कोई इंसिडेंस हो जाए तो कैसे उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है एज वेल एज प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन कवर्स रिएक्शन केमिस्ट्री ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हीट जनरेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन सोर्स फॉर प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज़ टी एस यू डेटा डी एस सी डेटा रिएक्शन कैलोरीमेट्री डेटा और पाउडर सेफ्टी डेटा अब ये प्रोसेस सेफ्टी डेटा जनरेशन करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होते हैं इसके बारे में हम विस्तार से दूसरे वीडियो में जानेंगे प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कंसिडर विच इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट देर ऑपरेशन लिमिट सेफ्टी सिस्टम असोसिएटेड विद देम एंड देयर डिज़ाइन कोड ताकि हम लोग थर्मल रिस्क को ठीक से इवेल्युएट कर सके और ज़रूरत होने पर मॉडिफिकेशन या एलिमिनेशन या फिर सब्सटिट्यूशन कर सके या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाइक एस ओ पी ट्रेनिंग रिटर्न प्रोसीजर देकर रिस्क को कम कर सके अगर एम आई सी से रिलेटेड सारी प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती तो शायद इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं और पच्चीस हजार लोग बेवजह मरते नहीं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मेटिगेट द रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लेवल ये प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड का दूसरा पिलर है जिसका इनपुट प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मेटिगेशन इज अ स्पेशाइज जॉब और ये किया जाता है टीम से डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन लाइक पर्सन फ्रॉम आर एंड डी इंजीनियरिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सेफ्टी एक साथ आके हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं और रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाकर उसे इवेल्युएट करते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते वक्त फोकस कहीं हटे नहीं और कोई हजार्ड आइडेंटिफिकेशन छूटे नहीं इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स यूज की जाती है जैसे कि हेजॉप बोट आई फिश बोन डायग्राम इवेंट ट्री एनालिसिस फॉल्ट ट्री एनालिसिस फेल्योर मोड इफेक्टिव एनालिसिस एफीमिया internal and external audit are also method used for hazard identification every technique have its own advantages and disadvantages bare me vistar se janenge kisi or video mein. operating procedure is a third pillar of process safety management it is administrative control to mitigate the risk operating procedure should be clear fact basis, with minimum required word एंड इन लोकल लैंग्वेज फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी ईजीली एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल सो इट इज़ ऑलवेज बेटर किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने ही वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई हो जिसने उस सिस्टम पर काम किया हो ऐसा व्यक्ति उस सिस्टम की खामियों और अच्छी बातों के बारे में अच्छे से जानता होता है और वो ऐसे प्रोसीजर बनाता है कि जैसे वो सिस्टम चलाने के लिए परफेक्ट हो

एप्रिसिएशन रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आर द टेक्निक्स जिससे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट इन प्री ऑफ सेफ्टी रिव्यू मेकेनिकल इंटीग्रिटी मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर राइटिंग ट्रेनिंग कंप्लाइंस ऑफ ऑडिट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट प्लान प्रोसेस हजार एनालिसिस इमरजेंसी प्लान प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीग्रेट ट्रेनिंग इज द ओनली एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू गिव द कॉन्फिडेंस एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक नए एम्प्लॉय के लिए और दूसरे पुराने एम्प्लॉय के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग ताकि पुराना एम्प्लॉय करंट प्रोसीजर को समझ सके और उसी के अनुसार काम कर सके नए एम्प्लॉय के लिए प्रोसेस ओवरव्यू ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्पेसिफिक सेफ्टी हजार एंड हेल्थ हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोसेस एंड सेफ्टी वर्क प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है वेरीफाई ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ रिसीव ट्रेनिंग वेरीफाई ईच एम्प्लॉय हैज़ अंडरस्टूड अ ट्रेनिंग थ्रू रिटर्न टेस्ट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वर्क एंड वर्बल टेस्ट कॉन्ट्रेक्टर एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक्चुअल फील्ड पर सबसे ज्यादा काम करते हैं और प्रोसेस से सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट इनका ही आता है इसलिए कंपनी की सेफ्टी इन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है बग़ैर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किए बिना प्रोसेस सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता इसलिए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेफ्टी कमेटी और इनको प्रोसेस हजार ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मेटिगेशन प्लान के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू ये एक टेक्निक है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि जो रिस्क मेटिगेशन प्लान रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद बनाया गया था वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं इट इंश्योर्स इफ एनी मॉडिफिकेशन डन इज इट एज पर डिजाइन स्टैंडर्ड इफ एनी एडिकुएट ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर इन प्लेस फॉर सेफ वर्किंग ट्रेनिंग कंपेटेंसी ऑफ द कंसर्न पर्सन प्रोसेस हजार एनालिसिस एंड इट्स कंप्लायंस इट इज स्पेश्ड जॉब एंड इट्स ऑलवेज बेटर जिस टीम ने हज़ार आइडेंटिफिकेशन करके मेटिगेशन प्लान बनाया था वही पी एस एस आर एक्टिविटी कैरी आउट करें मैकेनिकल इंटीग्रिटी से हम ये इंश्योर करते हैं और मैनेज करते हैं कि जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो एज पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं और इंस्टॉल किए गए हैं ये क्रिटिकल इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन है और अपना काम विद इन द स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग लिमिट में कर रहे हैं लाइक सेफ्टी वॉल ऑन रिएक्टर वर्किंग At its set pressure, breather wall on solvent storage tank in breathing and out breathing at set pressure. Addition control through control wall and alarm after failure of control wall. Pressure vessel tested by certified person. Reactor design as per I standard 2825 or ASM standard. It is very specific job related to engineering department only, but very important pillar. ऑफ प्रोसेस सेफ्टी कोई भी नॉन रूटीन काम करने के लिए कंपनी में परमिशन ली जाती है और उस काम को करने में क्या क्या संभावित खतरे हैं उसे जान के पूरी तैयारी के साथ यानी कि रिस्क असेसमेंट के साथ ये काम किया जाता है इसे कहते हैं वर्क परमिट सिस्टम नॉन रूटीन काम का मतलब होता है वो काम जो आपके डेली रूटीन कामों से अलग हो और जिसे करने की कोई प्रोसीजर ना हो जैसे कटिंग वेल्डिंग वर्क ऑन हाइट जनरली वर्क परमिट सिस्टम क्लासिफाइड होती है एक हॉट वर्क परमिट दो हाइट वर्क परमिट तीन कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट चार एक्सकावेशन वर्क परमिट और पाँच जनरल वर्क परमिट और कुछ कंपनीज में एक और परमिट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इन सब परमिट में खतरा तो होता ही है इसलिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करके कोई भी काम किया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा होता है हॉट वर्क परमिट में आइए जानते हैं हॉट वर्क करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है एक एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल केमिकल्स दो ट्रेन फायर वॉचर शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूसली विथ अरेंजमेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड वॉटर तीन एन आर वी ऑफ गैस कटिंग सेट नॉट टू बी प्लग चार गैस कटिंग सिलेंडर नॉट टू बी लीकेज और भी वर्क रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं जिसे हम जानेंगे किसी और वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ चेंज यू द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड टू चेंज मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस गिव अस चांस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू हजार दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम दिस चेंज आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से सपोज हम प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं दो केल के एक एमिजीएल बैच रिएक्टर में इस रिएक्टर की सेवेंटी परसेंट कैपेसिटी यूज़ की जाती है यानी बैच साइज होता है 1400 लीटर का इसका मतलब है जब एक प्रोडक्ट बनाना होता है तब रिएक्टर 1400 लीटर फील होता है रिएक्शन मास से अब सडनली मैनेजमेंट रिएक्टर की 85 परसेंट कैपेसिटी यूज करना चाहती है प्रोडक्शन ईल्ड बढ़ाने के लिए और एमएसजीएल रिएक्टर को रिप्लेस करना चाहती है हेस्टाओलाई रिएक्टर से ये चेंज इनिशिएट होता है चेंज कंट्रोल सिस्टम से और डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट लाइक इंजीनियरिंग पर्सन प्रोडक्शन पर्सन सेफ्टी पर्सन और इन्वायरमेंटल पर्सन इस चेंज का इम्पैक्ट इवेल्यूशन करते हैं ऑन एन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी पे से हम 70 परसेंट से 85 परसेंट तक रिएक्टर कैपेसिटी यूज़ करेंगे तो क्या हमारे रिएक्टर की कूलिंग कैपेसिटी इनफ है टू तो डील विथ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई गैस इवेल्युएशन हो रही है तो इनफ वेपर स्पेस और वेंट एरिया अवेलेबल है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन से क्या प्रोडक्ट एक्स और उसके रॉ मटेरियल हेस्टॉले के साथ कंपैटिबल है चेंज चाहे माइनर हो या फिर मेजर इट्स इम्पैक्ट ऑन सेफ्टी मस्ट बी इवेल्युएटेड सपोज देयर इज अ कंट्रोल एडिशन ऑफ रिएक्टेंट बी इन रिएक्शन मास इन थ्री आवर्स और अभी प्रोडक्शन टाइम कम करने के लिए मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डू दिस एडिशन इन टू आवर्स लेकिन ये इवेल्यूएट करना बहुत जरूरी है क्या हमारे रिएक्टर की कूलिंग कैपेसिटी इनफ है या फिर ये रिएक्शन रन अवे रिएक्शन हो जाएगी मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ प्रोसेस सेफ्टी टू अवॉइड द इंसिडेंसेस क्या है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का महत्व और क्यों ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस सेफ्टी एलिमेंट है जानते हैं इसके बारे में क्या किसी को टारगेट या ब्लेम करना यह एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मोटिव है जी बिल्कुल नहीं जो दुर्घटना हो चुकी है उसका असली कारण जानकर भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो यह है इसका ऑब्जेक्टिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जैसे एक कोई भी इंसिडेंस होने के बाद उसे 24 घंटों के अंदर रजिस्टर करें ताकि सही से इन्वेस्टिगेशन करके सही रूट कॉज पता कर सके और जो व्यक्ति इस दुर्घटना से बाधित हुई है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उनकी उचित सहायता कर सके दो ऑपरेटर शुड बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्योंकि अगर हमें सही रूट कॉज को ढूंढना है तो हमें दुर्घटना के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए जो कि हमें ऑपरेटर ही दे सकता है तीन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कभी भी क्लोज माइंडेड और प्रिज्यूडियस माइंडेड होकर प्रश्न ना पूछे इससे ये ब्लेमिंग गेम लगता है और हमें सही जानकारी नहीं मिलती प्रश्न के करते वक्त ध्यान रहे पीड़ित व्यक्ति को कभी भी हम पे अविश्वास नहीं होना चाहिए नहीं तो सही से जानकारी नहीं मिलेगी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्लोज करते वक्त रिपोर्ट में कुछ बातों का होना बहुत ज़रूरी है जैसे एक एक्सीडेंट की तारीख समय और डिटेल डिस्क्रिप्शन दो एक्सीडेंट होने के लिए कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और रूट कॉज क्या है तीन दोबारा ऐसा इंसिडेंस ना हो इसके लिए कौन से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे और कौन इन्हें पूरा करने के लिए जिम्मेदार रहेगा और कितनी अवधि में इन्हें पूरा किया जाएगा ताकि ऐसी दुर्घटना भविष्य में दोबारा ना हो कंपनी क्या बनाती है और किस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है इसके ऊपर किसी भी कंपनी की इमरजेंसी प्लानिंग डिपेंड होती है वैसे ही इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या सिस्टम्स अवेलेबल है ये देखना बहुत ज़रूरी है जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम फायर एस्टिंगविशर्स मैनुअल कॉल पॉइंट अलार्म सिस्टम और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम किसी भी कंपनी में अगर कोई भी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसके बारे में और अगर वो केमिकल लीकेज हो जाए तो हाउ टू डील विथ ये इमरजेंसी प्लान का हिस्सा होना बहुत जरूरी है इमरजेंसी प्लानिंग शुड कंटेंट फॉलोइंग थिंग्स वन टाइप ऑफ हजरडस ऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन दो इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ्टी स्कॉड एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मेंबर तीन इमरजेंसी डायल नंबर एंड असेंबली पॉइंट चार रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मेंबर्स एंड अदर इन केस ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट और अगर फैक्ट्री एम एच टू थाउजेंड थ्री के अंडर रजिस्टर्ड है तो ऑफसेट इमरजेंसी प्लान का होना अनिवार्य है और हर छः महीने में मॉक ड्रिल करना अनिवार्य है इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट फैक्ट्री ऑफिसर क्या है एम एच टू थाउजेंड थ्री इसके बारे में जानेंगे किसी और वीडियो में ऑडिट दो टाइप के होते हैं एक इंटरनल सेकेंड एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट का मतलब है कंपनी के एम्प्लॉय की एक टीम किसी एक फैसिलिटी को या फिर एरिया को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करती है और सेफ्टी गैप आइडेंटिफाई करती है इस टीम में डिफरेंट फील्ड एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है जैसे पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन आर एंड डी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेफ्टी इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब है कोई एक्सपर्ट टीम आके आपकी फैसिलिटी को रिव्यू करती है और सेफ्टी गैप आइडेंटिफाई करती है जैसे ओषाज़ एटीन थाउजेंड वन स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट लेकिन सिर्फ ऑडिट करने से काम पूरा नहीं होता उसका कंप्लाइंस पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से साइट रिस्क मिनिमाइज होती है यूसी में भी नाइनटीन को ऑडिट हुआ था जिसमें फोरटीन मेजर रिकमेंडेशनस निकल के आए थे और कंपनी को शट डाउन करके इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था और ऐसा हुआ नहीं और दुनिया का सबसे बड़ा हादसा भोपाल गैस ट्रेजडी हो गया एम्प्लॉयर को कंपनी के बारे में प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के बारे में प्रोसेस रजार्ट के बारे में एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है और अगर आपकी कंपनी एम एस के अंडर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट सेफ्टी ऑफिसर आसपास वाले गांव और आसपास वाली कंपनियों को ऑन साइड एंड ऑफ साइड इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग देना अनिवार्य है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू